हेलो फ्रेंड्स, पहाड़ी रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, और इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहें। और जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो मैं रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ वो है गुच्छे की सब्ज़ी। गुच्छी हिमालयन रीजन में पाई जाती है और ये मटन से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये बनाने में बहुत ही ईजी है। इसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं और ये मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव बिकती है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने गुच्छी ली है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके की होती है। इसे मैंने सुखा के रखा है, सुखाने से ये प्रिजर्व हो जाती हैं और ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं। प्याज 2 मीडियम साइज, 1 हरी मिर्च, 5 से 6 कलियाँ लहसुन, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा, नमक स्वादानुसार, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, देगी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, वेजिटेबल ऑयल 2 बड़े चम्मच और घी 1 बड़ा चम्मच। आइए अब हम इसे बनाने की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गुच्छे को इस तरीके से एक बॉल में पानी से धो के रख लिया है। मैंने इसे 4-5 बार पानी से धोने के बाद आधा घंटा के लिए पानी में सोक करके रख लिया था और आप देख सकते हैं ये अब कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही हैं। अब मैं जो काफ़ी बड़े पीसेस हैं उन्हें थोड़ा कट करूँगी। आप देख सकते हैं इसमें कुछ पीसेस जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, मैंने थोड़ा छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल डाल के तेल को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले गुच्छी डालने वाली हूँ। मैं इसे तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका पानी जो है वो सूख नहीं जाता। ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है बाज़ारों में और अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो आप मटन का टेस्ट भी भूल जाएंगे। अब गुच्छी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें अनियन डाल रही हूँ। अनियन को मैंने इस तरीके से मिक्सी में ग्राइंड करके रख लिया था। मैं इसे तब तक कुक करूँगी जब तक अनियन का जूस जो है वो पूरी तरह से सूख ना जाए और जो स्मेल होती है अनियन की वो चली ना जाए। अनियन मैं तब तक कुक करने वाली हूँ जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देता। आप देख सकते हैं प्याज जो है वो अब अच्छे से कुक हो चुका है। फ्रेंड्स, मैंने लहसुन को पीस कर उसमें इस तरीके से पानी डाल के रख लिया है। अब मैं सबसे पहले उसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, इसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी, इसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, इसके बाद मैं इसमें देगी मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। इस सारी सामग्री को मैं अच्छे से इस तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इस सारी सामग्री को तड़के में डाल दूँगी। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। फ्रेंड्स, अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से कुक करने वाली हूँ। मैं इसे कवर करके रख रही हूँ और मैं इसे बीच बीच में चेक करती रहूँगी। अब इसे 15 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे चेक करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। तो मेरी गुच्छी की सब्ज़ी जो है फ्रेंड्स वो अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैं इसमें एंड में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और साथ में 1 चम्मच घी का यूज़ कर रही हूँ। घी के यूज़ से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही एनहांस हो जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मेरी गुच्छे की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसे चाहें तो चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, परांठे के साथ खा सकते हैं, और अगर आपको इसे चावलों के साथ खाना है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, और मुझे इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।